हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आज हम इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे यूज ऑफ आई हैव टू का यूज कहाँ करेंगे, या आप मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, ये कॉमन सी बात है। आप डेली ये शब्द को यूज करते हो कि मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है। तो इसी चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, खुद को एडवांस कैसे बनाएंगे। आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि इंग्लिश कितना जरूरी हो गया है। अगर इंग्लिश ना आना मतलब कुछ भी नहीं आना होता है। तो सीखने के लिए एंड तक बने रहिएगा, मिस कर दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगी और आप जान भी नहीं पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम क्या बता रहे हैं, आई हैव टू यूज किसका करना है, आई हैव टू का यूज, या ऐसे समझिए तो, या मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मतलब कोई भी वर्ड अगर लास्ट में ना है, इसमें ना है, इसमें ना है, मतलब इधर चेंज हो, जाना, बैठना, में पढ़ना, सोना, लास्ट में क्या है, ना है, ना है आ रहा है ना। तो जिस भी सेंटेंस में लास्ट में ना है आ रहा है, तो उसमें हम आई हैव टू का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे जाना है, मुझे का क्या होगा, आई, आई हैव टू, जाना का क्या होगा, गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है का क्या होगा, I have to go, मुझे बैठना है तो इसका भी क्या होगा, I have to, बैठना का क्या होगा, sit होगा, I have to sit, क्या होगा, I have to sit। उसके बाद है मुझे पढ़ना है, मुझे का I, पढ़ना का read, तो इसमें हमको क्या है, I have to का यूज करना है। आप आई मान लीजिए, अगर मुझे है तो आई का यूज करेंगे, अगर तुझे रहता तो हम वहां पे यू का यूज करते, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आई, मुझे का स्पेलिंग आई होता है, इसलिए हम आई हैव टू का यूज, अगर तुझे रहता तो उसमें यू हैव टू। तो चलिए पहले इस थर्ड में क्या है, मुझे पढ़ना है, तो आई हैव टू रीड, क्या होगा, I have to read, मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना का क्या होगा, read होगा। अब देखिए क्या है, मुझे सोना है, तो इसका होगा I have to, सोना का क्या होगा, sleep, I have to sleep। उसके बाद है मुझे देखना है, तो इसका होगा I have to, देखना का क्या होगा, see, see मतलब देखना, I have to see, मुझे खेलना है, I have to, खेलना का play, क्या होगा, खेलना का, I have to play। उसके बाद है मुझे खाना है, ये सब सेंटेंस रोज यूज है दोस्तों। अगर ये नहीं है, अगर आप रोज खाना खाते हो तो किसी को बोल भी सकते, मुझे खाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं है जो डेली यूज में नहीं है। तो आपको ये पता रहेगा कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, मुझे खाना है तो आई हैव इट, आई हैव टू इट, सॉरी आई हैव टू इट। मुझे कॉल करना है, देखिए यहाँ पे लास्ट में मुझे कॉल करना है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, आई हैव टू कॉल, मुझे कॉल करना है, इसका क्या होगा, आई हैव टू कॉल, मतलब करना हो, मरना हो, चलना हो, पीना हो, खाना हो, मतलब लास्ट में ना और है ये रहे तो उसमें हम आई हैव टू का यूज करेंगे। तो इसका मैंने खाली छोड़ दिया, मुझे खाना है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जरूर समझ में आई होगी, ना समझने की कोई चांस नहीं है। तो समझ में आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।